महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कई जगह तो भारी जल भराव भी हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको महाराष्ट्र में सैलाब के कहर की तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पुणे और रायगढ़ में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई, ठाणे में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अपडेट हम आपको बता रहे हैं, मुंबई में और ठाणे में येलो अलर्ट है, पुणे और रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है, रत्नागिरी, सतारा, कोल्हापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब मैं आपको महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग जगहों की शहरों की तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले तो आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल देख लीजिए। इधर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, यहां पे मुंबई की दिखा रहे हैं हम तस्वीर। वैसे भी थोड़ी सी जब हो जाती है बरसात तो पूरी की पूरी मुंबई डूब जाती है, पूरा का पूरा इलाका डूब जाता है। तो ये मुंबई में बुरा हाल है। रायगढ़ में आप देखेंगे वहाँ पर भी बहुत स्थिति ठीक नहीं है, ख़राब स्थिति है। सड़कों पर पानी भरा है, दो दो फीट तीन तीन फीट तक जो है पानी रायगढ़ में है। पालघर में भी हालात वैसे ही हैं और सिंधुदुर्ग में भी वैसे ही हालात हैं। अभी ये पहली ही बारिश है, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हालात हैं वो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। रायगढ़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जगहों पर रेड अलर्ट भी महाराष्ट्र में जारी किया गया है। मुंबई से सटे रायगढ़ की तस्वीर जो आपको हम दिखाते हैं कि रायगढ़ में भारी बारिश के बाद कई गांवों में पानी लबालब भरा हुआ है। गांव का संपर्क टूट गया है, कुछ हिस्से में पेड़ गिर गए हैं। खोपोली इलाके में हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है, बद से बदतर हो गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको रायगढ़ की दिखा रहे हैं। रायगढ़ में सैलाब की वजह से कैसे जनजीवन प्रभावित हुआ है, कैसे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगह पेड़ जो हैं वो टूट गए हैं, गिर गए हैं, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर सड़क पर गड्ढा हुआ तो इस समय पानी में सब भर जाता है, तो दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। चलती चलती गाड़ियाँ पानी भर जाने की वजह से ठप हो जाती हैं, तो ये भी एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी मुश्किल है। ये पालघर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादातर ज़ोरदार बारिश हुई, उसके बाद सड़कें तालाब बन गई, बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाड़ा मनोर हाईवे पर मरीज को ले जा रही एक एम्बुलेंस पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया धक्का मारकर। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पालघर से। तो पालघर में भी पानी की वजह से बुरा हाल है, एम्बुलेंस फंस गई। ये तो लोग सहायता करने के लिए आ गए और उन्होंने धक्का देकर उस एम्बुलेंस को बाहर निकाला। तो जहां आप देखेंगे अभी शुरुआत हुई है बारिश की, वहां पर हाल बुरा है, हालात ख़राब है, सड़कों पर पानी जम जाता है। सबसे अहम बात कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसके तुरंत बाद सब्जियों के रेट और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।